शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप तो बड़े रिलैक्स हो रहे, बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना। वहाँ फोन आया था महालक्ष्मी का। अरे महालक्ष्मी, नाम से लगता है 75 साल की बुढ़िया। सन 1936 की पैदाइश। टीवी देख देख के बोर हो गई, बोला मोहल्ले में धाक जमाती हूँ। एक फोन कर दिया पुलिस वालों को ताकि टीवी में उसका नाम आए, उसकी फोटो आ जाए। सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अरे पुलिस वालों का कोई इंस्टिंक्ट होता है, हर पुलिस वालों के पास ऐसा नहीं होता है। भगवान की मेहर है। अरे अपने अंदर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग इंस्टिंक्ट है, देख लेना, गलत नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म वाले मागे, सादे ड्रेस वाले माजा बरोबर, तेज आपला नेहमीच चला। क्या बोला तेरे को? एक्सक्यूज मी, आप ही ने फोन किया था? हाँ हाँ, मैंने ही किया था। वाह, सन 36 की पैदाइश है आपकी। आई गो, आपको कैसे मालूम? कहाँ है वो लोग? वो लोग घर में हैं, रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? मैंने बताया आप लोग आ रहे हैं। आपने क्यों बताया हम लोग आ रहे हैं? तभी तो वो चुप हो गए ना, आपका वेट कर रहे हैं। हम पुलिस वालों का वेट कर रहे हैं? हाँ, आप पुलिस वाले हैं? तो और नहीं तो क्या? आप टीवी वाले नहीं हैं? हम टीवी वाले? मेरे पोते टीवी पर मैच देख रहे थे, टीवी बंद हो गया। रिपेयर वाले को फोन करके मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। आप महालक्ष्मी नहीं है? मैं तो सपना हूँ, सपना। सर आपका ये इंस्टिंक्ट तो फेल हो गया, पास तो उधर हो गया है। ये नीली आंखें मरवाएंगी। मैम सिर्फ इतना बताइए कि एक मिनट आप मुझे बताइए, इंस्पेक्टर शेखर वर्मा इनका सीनियर हूँ मैं। बोलिए। इनके भी सीनियर आ गए हैं, हमारे डीसीपी साहब, आप उनसे बात कीजिए। आयुषा अभी तक कोई बाहर नहीं निकला? जी नहीं, मैं बाहर दुकान पे खड़ी देख रही थी, अभी तक तो कोई बाहर नहीं निकला। कौन से कमरे में? वो व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन, यहाँ पर गोली चलेगी? हाँ चल सकती है। आप अपने स्टाफ और बच्चों से कहें कि अंदर जाएं और कमरा बंद कर लें, बाहर ना निकलें जब तक मैं ना कहूं। सावंत। यस सर। चलो बच्चों, चलो बच्चों को अंदर ले चलो। बर्तन गरम है सर। अभी अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से निकले। इलाके में बोलो नाकाबंदी लगा दें। यस सर। चाहे इसकी तो माँ भी नहीं पहचानेगी इसको, पॉइंट ब्लैंक पे तो थोबड़ा उड़ाला है, बंदूक भी अंदर रख के चले गए वो लोग। सर हाथ भी जला दिए, फिंगरप्रिंट के भी चांस नहीं। इतने नाउ है ना, उनके जवाब मैं खुद आके पुलिस स्टेशन में दे दूंगी, लेकिन अब उस लाश को क्लियर कीजिए। ओ भाई, आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे लाश हम लेके आए थे। 10 दिन से आपके वहाँ मेहमान बनकर बैठे वो लोग। देखिए, ट्रस्ट वालों ने कमरा किराए पे दिया था, उन्हें क्या पता था कि ये लोग टेररिस्ट हैं? कमरा देते हुए ने कहा कि यहाँ पे राइट्स की डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करने आए हैं वो। तो ईमानदार क्रिमिनल तो थे वो लोग, शूटिंग बोल के आए थे, शूटिंग करके गए। यू थिंक दिस इज फनी?
This is some kind of a joke to you? Hey, Raghavli, thumbs up de rahe bhaila. Just one second, ma'am. Sirf itna bataiye ki aapne aaj kyun phone kiya? Because of this, a bullet. Ye aaj mili bachchon ko unke kamre ke niche khelte hue. Isliye aaj phone kiya. Okay? Look, ma'am, it's important. जो लोग यहाँ ठहरे थे क्या आप उन लोगों को पहचान लेंगी? सबके चेहरों को मैंने ठीक से नहीं देखा लेकिन शायद एक दो को मैं पहचान लूंगी। लेकिन आज सुबह जो आदमी आया उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। मैडम, आई डोंट थिंक यू आर सेफ हियर एनीमोर। इनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एसपी वाक से बात करना। एक कांस्टेबल साथ में, दो घर के बाहर। देखिए, मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ, मैं मुंबई जा रही हूँ अपने घर। मैं तो सिर्फ यहाँ 3 महीनों के लिए बच्चों के साथ वर्कशॉप करने आई थी। लुक, एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन मैंने अपनी ड्यूटी कर ली और आप लोग यहाँ बुलाया। अब आप अपनी ड्यूटी कर लीजिए। मुझे सब में क्यों घसीट रहे हैं? I don't want your security, damn it. You may not want it, but you need it. देखिए मैडम, आज जिस आदमी के साथ आपका आमना सामना हुआ है वो भी आपका चेहरा नहीं भूलेगा। He's a very dangerous man. अपने पीछे वो कोई निशान नहीं छोड़ता। उसका नमूना आपने अभी देखा, वो लाश। सर, कल तो हम भी मुंबई के लिए निकल रहे हैं, क्यों ना इन्हें। सर, गुड थिंकिंग। मुझे हेडक्वार्टर बात करनी होगी। एज अ प्रोसीजर वी कैन नॉट टेक अलोंग विद अस। इसकी क्या गारंटी है कि मैं आप लोगों के साथ ज्यादा सुरक्षित रहूंगी? वो लोग 10 दिन से यहाँ थे और कोई गड़बड़ नहीं हुई। मैंने आपको एक फोन किया और किसी को ये बात मैंने नहीं बताई। अचानक वो लोग सब निकल भागे। इट्स शॉकिंग। किसी पर भरोसा मत करो अनंत, सिर्फ अपनी समझ से काम लो। सर, मैं अपना ट्रैवल प्लान चेंज करना चाहूंगा। जो तुम ठीक समझो करो। राइट सर। और सर, वो जो लड़की, उसका क्या करें? महालक्ष्मी, जैसा कि तुम बता रहे हो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अपने साथ ही ले लो, कोर्ट में काम आएगी। राइट सर। यस सर। सफर का प्लान क्यों चेंज करना चाहते हो? सब अरेंजमेंट तो हो चुका है। हाँ, सब अरेंजमेंट तो हो चुका है। कल सुबह मुंबई एक्सप्रेस से हमारी टिकट बुक है, बोगी नंबर S1, सीट नंबर 24-29। ये आपको कैसे पता चला? टिकट्स तो मेरे ड्रॉअर में है और ये डिटेल्स सिर्फ मुझे मालूम है। ये डिटेल्स और लोगों को भी मालूम है। जिस कमरे में लाश मिली थी वहां मुझे एक कागज मिला। जिस पेपर पर डिटेल्स लिखे जा रहे थे उसके नीचे एक कागज था, इंप्रेशन इस पे आ गया। लगता है तूफान आने वाला है। साहब जी, एक मिनट। साहब जी, अंसारी की माँ है सर, वो हरामी कुछ बोलता नहीं है और ये बुढ़िया कुछ सुनती नहीं है। कई दिनों से यहाँ डेरा डाले बैठी है और आज सुबह से पीछे पड़ी थी कि आपसे मिलना है। एक मिनट साहब जी, एक मिनट। सर, वो भेजा खाएगी, मैं उसे भगाता हूँ। ठहरो, गेट खोलो। अंसारी का बेटा, मैं एक अनपढ़ गवार हूं साहब जी। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब लोग कहते हैं मेरा बेटा खतरनाक है। यहाँ जो खून खराबा हुआ वो उसी ने करवाया। अगर ये सच है तो लानत है मेरी कोख पे जो मैंने ऐसी औलाद पैदा की। लेकिन एक माँ का दिल कहता है कि हो सकता है वो बेकसूर हो। संझूठ का फैसला तो अदालत ही करेगी साहब। अगर वो गुनेगार है तो उसे फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते उसे अदालत तक पहुंचाइए साहब जी। उसे रास्ते में गोली मत मारिएगा। तुम अपने बेटे से मिलोगे,
अदालत में।